पर वित्त मंत्रालय से पीयूष हमारे साथ है। उनका रुख करने से पहले बजट से उम्मीद को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां पीएम किसान सम्मान निधि बड़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं क्या वो पूरी होती है, 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़े ये तमाम किसान कह रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कि लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े ये भी सब कह रहे हैं, और देखना होगा क्या ये होगा। देखिए, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो करना होगा ये जरूरी काम। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है किसानों के खाते में जारी होने वाली है, ऐसे में आपको बता दें अगर आप भी पीएम किसान योजना की जो किस्त है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी कार्य हैं जिनको आपको करना जरूरी कर दिया गया है। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना फॉर्म भरवाते समय अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिखा है उनका नाम सबसे पहले तो अपना नाम अंग्रेजी में लिखना होगा, साथ ही जिन किसान भाइयों ने अपना नाम आवेदन करते हुए हिंदी में डाल दिया है वे तुरंत इसे अंग्रेजी में करवा लें। साथ ही अगर आपने अपना जो नाम और बैंक अकाउंट का नाम जो है अलग अलग है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट वाले का नाम अगर अलग अलग है तो ऐसे में भी आपका पैसा अटक सकता है। साथ ही आपका अपना IFSC कोड यानी कि बैंक का जो आपका IFSC कोड है उसको भी आपको सही से भरना होगा, अन्यथा आपके खाते में पीएम किसान योजना की जो 15वीं किस्त है नहीं आएगी। आपको बता दें जो IFSC कोड है इसको लेकर बैंक ने भी कई बार नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि IFSC कोड क्या है ना कि कभी कभी क्या किसी बैंकों का चेंज हो जाता है, तो ऐसे में आप अपना स्टेटस चेक करिए और आप देखिए कि आपकी खाने की क्या दिक्कत है और आपको किस वजह से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो 15वीं किस्त का वितरण किसान भाइयों शुरू हो चुका है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने दोनों महीने किसानों के खाते में 2,000 रुपए जारी किए जाने वाले हैं। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अक्टूबर में पैसे मिलेंगे, साथ ही कुछ किसान ऐसे हैं जिनको नवंबर में किस्त का लाभ मिलेगा। अब देखिए किन किसान भाइयों को अक्टूबर में मिलेगा, किन किसान भाइयों को नवंबर में लाभ मिलेगा, तो इसको भी आपको बता दूं। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना EKYC समय रहते करवा लिया है और अपना भूलेख सत्यापन भी समय रहते करवा लिया है तो उनके खाते में जो किस्त का पैसा है अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी अपना EKYC अपडेट नहीं करवाया, अगर वो आज अपना EKYC अपडेट करवाते हैं और अपना साथी भूलेख सत्यापन का कार्य करवाते हैं तो उनके खाते में जो किस्त का पैसा है नवंबर महीने में जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर आपको पीएम किसान योजना को लेकर किसी प्रकार से दिक्कत या फिर आपके मन में कोई संदेह है तो आप अपने आसपास के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप खुद से भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से सारे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप पीएम किसान योजना के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1556 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी ले सकते हैं। धन्यवाद।